सोनू दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा मुझे भी मैं और ठीक है। तो शॉर्ट ये है हमारा, हम लोग ट्रैक निकालेंगे सबसे पहले। तो एक नॉड लेंगे, कैमरा ट्रैकर, इसका सोर्स चाहिए, सोर्स दे दिया। अब व्यूअर इधर लगा देते हैं, ठीक है। अब इससे व्यू करते हैं। अभी क्या है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसका सेटिंग में जाएंगे और ये दोनों ऑन करना है, कैमरा प्रीव्यू फीचर्स। अभी देखो इसके अंदर छोटा छोटा डॉट ये आ गया, ट्रैकर्स। जूम कर देते हैं, दिखेगा। देखो दिख रहा है, अगर आ रहा ना, दिख रहा है ये सब। हाँ दिख रहा है, एक्स एक्स पे क्रॉस है। मार के, क्रॉस हाँ क्रॉस। ठीक है। तो अभी क्या है, ये बहुत कम है, तो हमको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। तो इसमें 150 हम 1000 कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब दिख रहा होगा सब अच्छे से। दिख रहा है अभी ये, ठीक है। अभी हमको ट्रैकिंग का अच्छा सोर्स मिल जाएगा। चलो और बढ़ा देते हैं, 1500 कर देते हैं, ज़्यादा मत बढ़ा देना। सिस्टम तो काम करेगा हाँ वही, अपना सिस्टम के हिसाब से ही बढ़ाना, जितना बढ़ाएगा उतना लोड लेगा, ठीक है। ये सब के लिए बहुत हैवी हैवी सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन हम लोग का फुटेज उतना हाई नहीं है। ये 1080 1280 है, तो हो सके रन कर जाए, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो ले लिए, कैमरा ट्रैकर लगा दिए। कैमरा ट्रैकर में डबल क्लिक करेंगे, देखो कैमरा ट्रैकर यहाँ पे है, इस पे जाएंगे और सिंपल सा इसको ट्रैक करेंगे पहले। और वेट करेंगे जब तक खत्म नहीं होता है। जिस दिन ज्यादा लोग गायब रहेगा ना, उस दिन पहले ग्रुप में मैसेज डाल देना, उस दिन हम फिर वो नहीं ना लेंगे, कुछ छोटा मोटा चीज बता देंगे या फिर उस दिन नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्लास है ना। ठीक है, ये कैमरा वो ट्रैक कर दिया है। अभी क्या है ना कि कौन सा ट्रैकर खरा सही है खराब है, हमको कोई कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको यूज करना है इस एरिया का ट्रैक, क्योंकि यहाँ पे चिपकाना है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और कैमरा ट्रैकर में जाएंगे और यहाँ पे पहले क्या किए थे, ट्रैक किए थे। अब सॉल्व में क्लिक करना है, बस सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का। देखो सॉल्व हो गया। अब जो ट्रैकर खराब है ना, वो देखो रेड में आ गया है, इधर देखो खराब हुआ है इधर। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ देखो ऑटो ट्रैक है, हम लोग ये ऑटो ट्रैक ही हुआ है, तो उस पर जाएंगे
और मिनिमम लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 10 कर देते हैं, और इसको मैक्स एरर को मतलब कितना ज़्यादा एरर है उसके हिसाब से इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अभी देखो ये इतना सारा हट जा रहा, 4 कर देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे जो रेड कलर है ना उसको हाँ बस डिलीट कर, और हम जब भी मतलब ऐसे ट्रैक करते हैं ना कैमरा ट्रैक, तो हम लोग का जो इंस्टॉल वगैरह ये है 1 से कम होना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा आपका। कर रहे थे हम का, यहाँ हमेशा 1 से कम होना चाहिए, 1 से ज्यादा रहेगा तो हो सके प्रेशर का थोड़ा इश्यू आएगा, जलन लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर, यहाँ पे थोड़ा सा इसको 4 है तो 3.5 करके देखते हैं, या फिर 3 करके देखते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ का कट जा रहा है तो हम 3.5 करते हैं। आ गया थोड़ा, अभी इसको भी थोड़ा सा कम करके देखते हैं, और डिलीट रिजेक्टेड डिलीट अनसॉल्व फिर से। अभी क्या हुआ, ये 0.98 में आ गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे अपडेट इसको ट्रैक करके, जीरो करना है। जीरो नहीं करना है, हाँ मतलब 1 से कम रहना चाहिए। देखो यहाँ पे 0.98 है ना एरर, मतलब एरर जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन 1 से कम चलता है, ठीक है। ठीक, तो ये अपडेट सॉल्व कर भी सकता, नहीं करता कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का ट्रैकर 0.98 से कम हो चुका है, अभी सारा कुछ ठीक है, हम मान के चलते हैं कि मेरा ट्रैकर सही है। जब इतना निकल जाएगा ना, इसमें फिर से और एक बार देख लो क्या क्या करते हैं। कैमरा ट्रैक करने के बाद इसमें ट्रैक कर दिया, ट्रैक करने के बाद इस पर डबल क्लिक किया और ऑटो ट्रैक में जाएंगे, इसको मिनिमम लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और मैक्स एरर को थोड़ा सा घटा देंगे, और उसके बाद जैसे ही ओके करेगा तो सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा एरर है नहीं है। उसके बाद डिलीट रिजेक्टेड डिलीट अनसॉल्व। माइक किसी का ऑन ऑन है, ऑफ आवाज आ रहा था अजीब सा, ठीक है। तो डिलीट रिजेक्टेड डिलीट अनसॉल्व जब ये कर देगा तो इस टाइप का आएगा, देखो पूरा फुटेज को ऐसे ट्रैक किया हुआ है ये। ठीक है, जब ये हो गया तो क्या करेंगे, इधर तो सारा कुछ हो गया, अब हमको क्या करना है, इसमें 3D देखना है, ठीक है। 3D में कैसे देखेंगे इसको, तो 3D में देखने के लिए यहाँ पे एक तो टैब है, अभी कुछ दिखाएगा नहीं, देखो 3D टैब दबाएगा ना, कीबोर्ड में टैब है, टैब बटन, हाँ ठीक है, टैब बटन दबाएगा ना तो इस टाइप का व्यू दिखेगा। तो ऑल्ट और जो राइट बटन, राइट है ना माउस का, राइट क्लिक को दबा के घुमाएगा तो ऐसे दिखाएगा, देखो हम लोग का फुटेज ऐसा है, उसका कैमरा सॉफ्टवेयर के मतलब अभी जो कैमरा हम लोग निकाले ना उसके हाँ हिसाब से वो ऐसा देख रहा है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, उसको परफेक्ट व्यू देना है कि ऐसे ही देखना है हमको, किस एरिया को देखना है उस एरिया पे ही फोकस करना है, तो वो हम लोग को कैमरा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी बस ऐसे देखो कि ये 3D से कैसा दिख रहा है, ये हम लोग का कैमरा है, अभी कैमरा आया नहीं है यहाँ पे, बस ये ऐसे नॉर्मल दिख रहा है फुटेज में, हम लोग का वो ट्रैकर किस तरह का निकला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो कैमरा को यहाँ पे लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, फिर से टैब प्रेस करेगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। कैमरा ट्रैकर में जाएंगे, उसके बाद ये कैमरा ट्रैकर जो अपना है इसमें आएंगे, और यहाँ पे देखो ये कैमरा क्रिएट कैमरा करके है, हाँ ये लिंक ही रहेगा स्टार्टिंग में, लिंक रहेगा बाद में उसको अनलिंक करके वो बताएंगे, अभी लिंक रहेगा स्टार्टिंग में, क्रिएट करेंगे देखो कैमरा आ जाएगा, ये हम लोग का कैमरा है, ठीक है। अब यहाँ से व्यू करो, देखो कैमरा आ चुका है, कैमरा जैसा दिख रहा है ना, हाँ हाँ तो ये कैमरा है, अभी किसको देख रहा है इसको खुद पता नहीं है,
ठीक है, ये बस कैमरा आ चुका है लेकिन ये क्या देख रहा है इसको खुद पता नहीं है। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे कि तुमको ये चीज देखना है। तो कैमरा में, ठीक है, कैमरा में डबल क्लिक करेंगे, फिर इस पे आ जाएंगे, उसके बाद आएंगे और इसको दिखाएंगे कि क्या देखना है तुमको। पहले चेक कर लो किस एरिया में ज़्यादा पॉइंट्स नज़र आ रहा है हमको। इस एरिया में पोस्टर लगाना है तो उस एरिया का एक को पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, एक को सेलेक्ट करेंगे, ग्राउंड प्लेन में जाएंगे और सेट ओरिजिन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैमरा अब इसको फोकस करेगा, मतलब इसको ग्राउंड मानेगा कि इसी तरफ देखेगा वो। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, तो हमको थोड़ा ना, मेरा प्लेट इतना ही छोटा थोड़ी है, यहाँ तक है, ये से है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और बड़ा, थोड़ा सा इसको ये देंगे कि इस तरह का प्लेट हम ला रहे हैं, तो इतना बड़ा एरिया हम सेलेक्ट करेंगे। फिर ग्राउंड प्लेन में जाएंगे और सेट टू सिलेक्टेड कर देंगे। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ग्राउंड प्लेन सेट टू सिलेक्टेड, जैसे करेगा वो पिंक में हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक जगह का नहीं और जगह देख लेते हैं, अगर कोई इस एरिया में आ रहा है तो इसको भी कर देते हैं, इधर जाते हैं थोड़ा, इस ये भी कर देते हैं। इसका जितना सिस्टम का कैपेसिटी रहेगा उतना ही पॉइंट लेना, नहीं तो सिस्टम बंद हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। ठीक है, हम इतना ही कर रहे हैं। फिर अभी देखो, अब इस पे व्यू करेंगे ना तो वो क्या दिखाएगा, देखो देखो वो दिखाने लगा ना अब उस एंगल पे। हाँ, समझ में आ रहा कुछ कुछ। आया, हाँ अभी देखो यहाँ पे मेरा कैमरा क्रिएट, सॉरी, यहाँ इसको हटा दो, ऑलरेडी हम लोग यहाँ कैमरा लेके आ चुके हैं, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, ये उसी में दिख रहा है, लेकिन अभी क्या है, इसको हम लोग बाद में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी इस पर क्लिक कर रहे हैं, टैब दबाओ, ठीक है, यहाँ पे वन प्रेस रहेगा, क्रिएट कर दो। ठीक है, ये कैमरा से दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कैमरा है, ये फुटेज को दिखा रहा है। चलो ठीक है, ये समझ गए। यहाँ से देखो कैमरा व्यू कर सकता है, ऐसे देख रहा है वो, ऐसे ऐसे है फुटेज, वो इसको ऐसे दिख रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि वो फुटेज में कैसे दिखेगा, तो अभी हम लोग फुटेज इस पे, कैमरा अभी डायरेक्ट सोर्स से ऐड है, अभी देखते हैं आगे करते हैं काम क्या होता है। इतना दूर समझ में आ गया किसी को कि इसमें पीछे कुछ पूछना है? बताइए आगे। नहीं, मतलब पूछ रहे हैं कि इतना दूर दिमाग में है कि सब उड़ रहे हैं। 3D वाला यहाँ तो समझ गए। ये पहले ठीक है, मैं जो वो नंबर का वैल्यू सेट किया ना, वो किस चीज़ का किया है शुरुआत में? देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये एक जो पॉइंट है वो क्या करता है, 70 फ्रेम तक गया वो ट्रैक उतना में छोड़ दिया, फिर दूसरा वाला पकड़ा वो उतना आधा में छोड़ दिया। और कोई किसी किसी का जैसे एरर टाइम, उसका लिमिट होता है कितना एरर दे रहा है, जैसे जितना ज़्यादा लंबा एरर रहेगा वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग इसमें क्या हाँ करते हैं ना, इसमें मैक्स एरर को कम करते हैं, मतलब जो मैक्स एरर है कि मेरा 3.5 से जितना भी ज़्यादा एरर है सबको हम लोग उसको मतलब रिजेक्ट कर दो। तो जैसे ही 3.5 किया ना तो उसको रेड कर दिया था, देखा था, तो हाँ हम बाद में क्या किया, वो उसको डिलीट कर दिया और डिलीट अनसॉल्व कर दिया। मतलब अच्छा। दो और चीज उसमें वो होता है, एक मिनिमम तो लेंथ वो 10 क्यों लिए? वो मिनिमम मिनिमम लेंथ लेंथ, है। देखो लेंथ क्या होता है कि हम देखो जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो ट्रैक लेंथ क्या दिखा रहा है, 12, हाँ तो ये 12 फ्रेम तक ही ट्रैक कर पाया है। अच्छा ठीक है, अच्छा समझ गया, मतलब ये बारह हाँ फ्रेम तक ही ट्रैक कर पाया, उससे आगे इसका कैपेसिटी नहीं था, वो या तो कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ मिला इसको, वो 12 फ्रेम के बाद ट्रैक नहीं किया। ठीक है, तो 12 फ्रेम से क्या करेंगे हम, क्या किए, मिनिमम लेंथ 10 रख दिया, तो ये मिनिमम लेके चल रहा है। ठीक है,
उसमें ऐसा मत समझना कि 10 रख दिया तो 10 फ्रेम ही काउंट करेगा, वो मिनिमम लेके वो चल रहा है, मतलब मिनिमम जितना लेंथ 10, उससे अगर कम कर देंगे तो फिर मतलब इससे भी ज्यादा कर देंगे ना तो देखना और भी ये रेड आने लगेगा, मतलब समझ लो कि फिर हम लोग के पास ये पॉइंट ही नहीं बचेगा कि किसको सेलेक्ट करें। इधर 10 कर दिया, इसको मैक्स एरर को कम कर दिया और बस इधर डिलीट, जो भी जैसे ही उसको यहाँ पे किया और इंटर प्रेस करेगा ना तो ऑप्शन आ जाएगा, वो रेड हो जाएगा, कोई अनसॉल्व रहेगा तो हम उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया, फिर उसको रखना क्यों है, झूठ मूठ का मेरा हैवी होगा सिस्टम, और जब तक उसको डिलीट नहीं करेगा ये सॉल्व एरर दिखाएगा नहीं वन से नीचे, तो वो कर दिया बस। उसके बाद जस्ट कैमरा में आ गए और कैमरा में आने के बाद क्या किया, इसको सेट ओरिजिन किया और सेट टेबल से ग्राउंड सेट किया, देखो ग्राउंड प्लेन सेट टू सिलेक्टेड, बस इतना ही किया है। अभी क्या किया, हाँ अभी क्या किया, टैब प्रेस कर रहे हैं तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, अभी टैब फिर से प्रेस करो ये ऐसे दिखेगा। अभी उससे हम क्या किए, एक कैमरा निकाल लिए, कैमरा है हम देखो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है, हम क्रिएट कर लिए अपना कैमरा, देखो यहाँ कैमरा आ गया, ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया सबको, ठीक, सब नहीं ना बोल रहा है, सब बोलो यार। हाँ ये भी सुनो, ठीक है मनोहर, हाँ ये समझ में आ रहा है, तो बोलेगा नहीं, हमको कैसे पता चलेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है उड़ रहा है ऊपर से, ठीक है। तो ये ले लिया, इसके बाद अभी नया नया नोड मिलेगा तो थोड़ा डरना मत, ठीक है। इसके बाद लेंगे स्कैन लाइन रेंडर, 3D तो हो गया लेकिन अभी क्या करेंगे, 3D को 2D में रेंडर करने के लिए ये चाहिए होता है, इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अभी क्या हो रहा है, इसमें नहीं कनेक्ट, और एक ये स्कैन लाइन रेंडर लेना है और एक लेना है सीन, ठीक है, सीन लगा दिया। अभी कैमरा हमारा, कैमरा हम लोग का आ चुका है, ये सीन आ गया, अभी सीन को इसमें अरे यार हैंग क्यों हो रहा है, ठीक है इसमें लगा दिया, और इसमें क्या बोल रहा है कि ये कैमरा में कनेक्ट करो, ठीक है, ये कैमरा का ऑप्शन दे रहा है, देखो जूम कर दिए है, इसको कैम में कनेक्ट कर दिया। अब इसको सेट कर लेते हैं, ऐसे रख दिया। अभी क्या है, अभी हमको स्कैन लाइन रेंडर से हम देखते हैं क्या दिखा रहा है, तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, फिर क्या करेंगे, यहाँ कुछ है ही नहीं इसके लिए, तो फिर क्या करना है, तो एक मर्ज लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ये हैंग होने लगता है ना, ठीक है ये फुटेज में जाएगा। ये आ गया, अभी इसमें कुछ है नहीं तो क्या दिखाएगा, तो सिंपल सी है कि इसमें हम लोग सबसे पहले कार्ड टैब दबाएगा ऐसे दिखेगा, तो इसमें हम लोग कार्ड लगाएंगे, कार्ड को कनेक्ट कर दो इससे सीन से। अभी देखो ये कैमरा क्या कर रहा है, ऐसे देख रहा है, तो हमको ये ऐसे चाहिए नहीं चाहिए ऐसे, अब हम लोग दोनों फुटेज में, देखो ये अजीब सा दिख रहा है, और कार्ड ब्लैक क्यों दिख रहा है, तो इसके में टेक्सचर नहीं है, तो हम टेक्सचर लगा देते हैं, चेकरबोर्ड, देखो ये अजीब सा आया है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, वो उधर घुमा हुआ इसलिए सर, तो कैमरा कहीं और देख रहा है, तो क्या करेंगे, कार्ड में जाएंगे थोड़ा सा इसको इधर उधर करके देखते हैं कहीं सेट हो जाए, तो ये पूरा स्क्रीन को फिल कर दिया, देखते हैं कैसा होता है, चेकर्स बोर्ड भर गया है। अब इसको हम थोड़ा सा स्केल करके देखते हैं, नहीं ये नहीं काम कर रहा है, ठीक है ये इधर से स्केल कर रहा है, तो इसका बगल वाला ट्राई करेंगे, ठीक है जब लगे कि और मतलब छोटा छोटा करना और फास्ट हो रहा है तो इधर और एक जीरो लगा दो और इसको कम करो,
माउस से स्क्रॉल करेगा ना तो वो सेट होगा। तो अभी देखते हैं कहाँ तक सेट हुआ है, हमको और नीचे लाना है इसको, तो फिर ट्रक में लगाना है क्या ये? हाँ ट्रक में ही लगाना है ना। देखो ये एस टाइप का हो रहा है, तुम लोग को भी लगाना है, हम अकेले थोड़ी लगाएंगे। अभी तो हम कर दे रहे हैं, कल नहीं दिखाया ना, रोज बहाना मारता है तुम लोग। ठीक है, इस एरिया में सेट हो गया है, अब इस एरिया को सेट करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो गलती से इधर उधर भाग रहा है, थोड़ा सा रोटेशन चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहिए, डायरेक्ट फुटेज में इसको ड्रैग नहीं कर सकते? कर सकता है लेकिन वहां से देखो थोड़ा इधर उधर होगा, हम अच्छा से यहाँ से मैनुअल कर रहे हैं। और भी तरीका है, वो एक ही दिन सब बताएंगे सब भूल जाएगा। थोड़ा सा स्केल चाहिए, देखो यहाँ दिया है ना, ये इससे भी कर सकता है। ठीक है, अभी इसको इधर से थोड़ा सा स्केल चाहिए। थोड़ा सा रोटेशन चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और इधर से स्केल कर देते हैं, वो भी बताएंगे। जैसे अभी क्या है ना कि ये मान लो ये स्क्वायर में नहीं रहा तो क्या करेगा, उसके लिए अलग से आता है कि अलग से प्लेन, खुद से प्लेन ड्रॉ कर सकता है ऐसे ऐसे करके, तो वो अलग क्लास में बताएंगे। अभी बस ऐसे नॉर्मल ये बता दे रहे हैं ताकि अभी एक एक सीख जाएगा तो बाकी सब सीख जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे लेकिन टाइम देके अच्छे से सेट कर देना। इसको 3D भी में जाके सेट नहीं कर सकते? 3D भी में कैसे पता चलेगा तुमको कि यही मेरा फुटेज 3D थोड़ी है? 3D में जाओ क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही पता चलेगा ना कि कहाँ पे हमको सेट करना है। तो ठीक है, ऐसे अपने हिसाब से जितना हो सके उतना हम मैनेज किए, अभी हम देखते हैं कि आगे क्या करना है इसमें। ठीक है, तो ये कार्ड ले लिया, कार्ड सेट हो गया, अब इसका काम हम लोग का खत्म हो गया। ये अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को पहले सेव कर लेना, सेव करते रहना क्योंकि ये बहुत जल्दी हैंग होगा, जिसका सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा ना उसका हैंग हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, दूसरा एक इमेज लेके आते हैं, इसके ऊपर लगाना भी तो है। चलो कोई इमेज मिल जाओ, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, हमको मान लो इसको लगाना है, तो ये इमेज ले आए। अभी इस पे सेम वही जैसे बताए थे पहले, तो देखो क्या है ना कि इसका रिजोल्यूशन हम लोग सेट कर दिए थे। ठीक है, 12 जो भी था, अभी इसका रिजोल्यूशन देखो 728485 है। तो अगर फुटे सेम इमेज नहीं मिलेगा इसका रिजोल्यूशन का, तो इधर उधर होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पे एक रिफॉर्मेट लगा देना पहले, ताकि रिफॉर्मेट मतलब जो पहले का हम लोग फॉर्मेट सेट किए हुए हैं उसी का फॉर्मेट में इसको भी रखो, चाहे इमेज जैसा जैसे लगाएगा थोड़ा इमेज कट जाएगा। हाँ। क्योंकि वो साइज का है नहीं, अब उसी देखो जो चीज सिंपल सी बात है, छोटा चीज को खींचेगा तो अजीब सा होगा। तो हम लोग को करना क्या था कि इस साइज का ही इमेज लाना था, लेकिन चलो नहीं है तो सीखने के लिए मिल जाएगा कि इससे क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम या तो गूगल में जाके इस साइज का इसको इमेज बना सकता है तो वो कर सकता है, लेकिन हम चलो इसी से सिखाने के लिए रिफॉर्मेट लगा दिए। अब यहाँ पे फ्रेम होल्ड लगाते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम लोग हमेशा क्या लगाते थे, कॉपी कॉपी और एक रोटो। तो कितना चाहिए उतना हम लोग रोटो कर लेते हैं। इसमें रेक्टेंगल ले सकते हैं। हाँ ले सकता है तुम्हारा मर्जी, क्योंकि इसमें देखो एक ही है ना, अगर दो दो तोड़ तोड़ के लेना रहता तो हम सोचते कि चलो स्क्वायर ना मतलब ना रिंग रेक्टेंगल ना ले कुछ और ले, ठीक है। इसमें देखो फ्रेम होल जीरो दिखा रहा है, तो कौन सा फ्रेम में है 61 सेट कर दो ताकि दिखाई। अब यहाँ पे रोटो आ गया है, हम रोटो भी ले लिए हैं, कौन सा फ्रेम में लिए हैं 61 में, तो यहाँ पे फ्रेम होल लगा दो। ठीक है ये पूरा में लिए हैं इसलिए देखो इधर का कट गया, अब जितना लिए थे उतना कट गया, ठीक है। थोड़ा हैंग हो रहा है। अब क्या करेंगे पता है, इसको हम लोग को प्रोजेक्ट एक और एक नया नोड लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट 3D। ये क्या करेंगे, ये इधर देखो ऑप्शन खुद दे रहा है, ये इसको इधर कनेक्ट करो और कैम को कैम से कनेक्ट करो। तो हम लोग के पास कैमरा कहाँ है, नहीं है, ये तो इधर जुड़ा हुआ है, हमको नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, आएगा थोड़ा टाइम लगाएगा, इसको अनलिंक करके क्रिएट करेंगे ताकि ये देखो सिंपल एक कैमरा देगा हम लोग। अभी इसका जरूरत नहीं है, अभी है लेकिन सिर्फ कार्ड का जरूरत है, बाकी इधर का काम हो गया है। हम कैमरा ले आए हैं, ये रहा हम लोग का कैमरा। तो हम लोग को प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है, इस पर कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर दिए। और एक चीज़ इसमें है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसका जो फ्रेम होल्ड है ना, इसमें भी कॉपी पेस्ट मतलब कर देना कैमरा में। जब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा इस पर जाके वन प्रेस करना। अभी ये क्या दिखाएगा, अभी तो ये कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये इससे 3D से कनेक्ट नहीं है, बस कैमरा से अभी कनेक्ट किए हैं अभी अच्छे से। अब क्या करना है, इस पर हमको इसको कहाँ ले जाना है, अरे यार हैंग क्या हो रहा है, ये हमको ये वाला कार्ड चाहिए हम लोग, तो ये कार्ड कॉपी कर लेते हैं और इसको ले आते हैं इधर पेस्ट कर। इसमें हम फुटेज भी लगा सकते हैं ना। हाँ कुछ भी लगाओ, ठीक है। कार्ड लगा दिया, अपना कार्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर जो 2D से 3D व्यू देखने के लिए मतलब 3D से 2D देखने के लिए हम लोग यहाँ क्या लिए थे, स्कैन लाइन रेंडर, ठीक है। तो ये सेम यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कनेक्ट हो जाएगा और कैमरा कैमरा में कनेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से व्यू करो, तो ये दिखा रहा है, लेकिन देखो वो आ गया इमेज हम लोग का कैमरा के हिसाब से। तो अब हम लोग को क्या करना है, हमको फुटेज के साथ देखना है। तो क्या करेंगे, फुटेज कहाँ है हमारा, फिर क्या करेंगे, एक मर्ज लेंगे, ठीक है। हमेशा फुटेज का ये ए में इसमें कनेक्ट होता है और हम लोग का बी जाएगा ओरिजिनल फुटेज में। आ गया यहाँ पे। हाँ। तो अभी ये इस टाइप का आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखते हैं, पहले तो देखेंगे कि ये ट्रैक सही से हुआ है या नहीं। इस पे वन प्रेस करते हैं और प्ले करके देखते हैं। देखो बोला था ना रोटो चाहिए था, क्यों चाहिए था।
लेडी घुस गई उसके अंदर। अभी क्या करेंगे कि जिससे जो रोटो दिया था ना वो रोटो भी हम लेके आते हैं। लेडी ठीक है यहाँ पे एक मर्ज लगा देंगे और ये इसको कनेक्ट करके अभी लेडी को ऊपर लाना है। तो यहाँ पे देखो ये मर्ज है ना, मर्ज का इसमें जाके स्टेंसिल करना रहेगा। ठीक है ये हैंग क्यों हो रहा है यार। इसको ओवर कर दो। ठीक है ये ऊपर आ गया लेकिन ये ब्लैक दिख रहा है। तो इसको ना ये जो आरजीबी है ना इसको अल्फा करना पड़ेगा। ठीक है ये अल्फा कर दिया। और एक चीज देखना होगा सिलोट में कुछ कैसे इंपोर्ट किया है वो देखना पड़ेगा। इन्वर्ट ऑप ठीक है ये वाला हम ये बता देंगे सिलोट का से ये है। अभी बस ये दिखा रहे हैं इसको भी ये कर दो। ठीक है इसको प्ले करके देखते हैं। सबके पास 14 है ना, मतलब ये न्यू का 14। हाँ अगर 14 होगा तो पहले ये वाला कर लेते हैं उसके बाद इसको देखते हैं ये क्यों नहीं आ रहा है ये देख लेंगे। तो इसमें लगाते हैं पहले अपना कॉर्नर पिन। तो कॉर्नर पिन आ गया है। ठीक है अब इसको हम लोग वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे हम लोग ये लिए थे रोटो। रोटो देखो हम लोग कहाँ लिए थे 61 पे। तो कॉर्नर पिन यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। अभी कॉर्नर पिन में डबल क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे है। अभी इसको उठा के यहाँ पे लगा दो। हम ये कर रहे थे ये उल्टा हो जा रहा था, ये इन्वर्टेड हो जा रहा था। इन्वर्टेड ये इसलिए होता है ना कभी कभी। देखो ये प्रिमल से कनेक्ट करना, ये डायरेक्ट फुटेज में लगा देगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है ठीक डायरेक्ट इस पे मत लगाना। जब ये मतलब ऐसे कॉर्नर पिन सेट हो जाएगा ना तब इसको उठा के लगाना। देखो ऑटोमेटिक सेट हो गया ना। अभी क्या है ना जैसे ही इसको लगा दिया उसके बाद इस पे जाके सब सेट की ऑल नोब्स लग गया। अभी इसको जाके हमको जहाँ पे सेट करना है जैसे यहाँ पे ऐसे सेट करना है तो देखो सेट हो रहा है ना। जिससे चाहिए तुमको वैसे सेट कर दो। ठीक है उसमें की लगता चला जाएगा तुमको जैसा चाहिए। अपने हिसाब से वो सेट कर लेना। मान लो हम ये सेट कर दिया प्ले करेंगे तो इसी टाइप का जाएगा एनिमेशन। थोड़ा सा और अच्छे से करना। ठीक है अब ये लेडी जो इधर आ रही है अब इसको देखते हैं ये ऐसा क्यों आ रहा है। तो इसको सेट करते हैं पहले। कॉर्नर पिन समझ में आ गया कि कॉर्नर पिन और एक बार बताएं। हाँ समझ गया। सबको समझ में आया? हाँ कॉर्नर पिन समझ में आ गया। ठीक है 12 है मेरे पास न्यू 12। न्यू 12 है ना कोई बात नहीं मतलब मेरा तो 11 में चला रहा है। ठीक है ये लगा दिया। ये हम लोग का फाइनल आउटपुट है। ठीक है यहाँ से अब बस लेडी को यहाँ पे लाना है। तो हम भी बीच में एक मर्ज लगा देते हैं और यहाँ पे जो रोटो दिया था कहाँ गया इधर रखे हैं सेव करके।
ठीक है, ये पता नहीं कुछ तो रोटो में है, नहीं तो हम इसको इसके जगह पे रोटो दूसरा लेके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हम फुटेज में जाते हैं, वन प्रेस करते हैं और एक रोटो लेते हैं। हैंग मत होना यार। ठीक है, रोटो ले लिया, अब इसको देखते हैं। देखो ये फिर भी ब्लैक आ रहा है। टेंसिल के जगह ओवर इन या अच्छा इस टेंसिल नहीं किया ना। हाँ ठीक है, तब ये भी आ जाना चाहिए। हाँ आया, स्टेंसिल करना भूल गए थे, ये पहला बार किए थे। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे इसको प्ले करके, ऐसा ला हैंग हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि लेडी अगर अच्छा से रोटो रहता तो देखो थोड़ा सा भी नहीं पता चलता, अभी पता चल रहा है थोड़ा सा कटा कटा से, है ना, कंधा में पता चल रहा है, कंधा में, हेयर में, देखो नाक, एक इसका इयर रिंग देखो अजीब सा लग रहा है ना। अभी वो सब अच्छा से स्मूथ से बनाया हुआ रहता तो हम क्या करते उस पे, देखो और एक चीज, जैसे लेडी है इसके नीचे एक हम ब्लर कुछ लगा देते हैं, ब्लर या एज ब्लर, ठीक है, अब इस पे साइज को बढ़ा देते हैं, देखो पूरा स्मूथ हो जाता है। देखो इसको थोड़ा कम रखते हैं, 4 कर देते हैं, देखो और अच्छा लगने लगता है। और ये जो डिटेल है ना, ये डिटेल अगर बना हुआ रहता तो और रियलिस्टिक लगने लगता। और इसको कॉर्नर पिन से जितना अच्छा से सेट करने सकता है वैसा सेट कर दो ताकि और रियलिस्टिक लगे। तो कल हमको कौन कौन दिखाएगा आपका अपना अपना फोटो या क्या दिखाएगा बताओ? कॉर्नर पिन को भी फ्रेम बाय फ्रेम नहीं करना है, ट्रैकिंग शॉट है तो कहीं कहीं जाके जहाँ लगे कि हाँ वहां पे करना है तो कर दो। ठीक है, और ये फोटो का जगह में अगर छाव आ गया तो फिर क्या करेंगे? फोटो के जगह में जैसे कि ये पीछे बैक साइड में सेट करना रहेगा और वहां पे देखिए परछाई है उसका, कहाँ पे परछाई है, मतलब परछाई आ गया तो क्या करेंगे वो पूछ रहे। ऊपर में कह रहा है गाड़ी का पीछे में है ना, ऊपर में वो फोटो में परछाई वहां कह रहा है, इधर गाड़ी में गाड़ी में यहाँ पीछे, हाँ पीछे लगा देंगे और देखिए वहाँ परछाई देना रहेगा। अच्छा ये, हाँ हाँ ये भी कर सकता है, वो ड्रॉप शैडो आता है सारा कुछ ऐड कर सकता है, इसमें बहुत कुछ है लेकिन बस अभी इतना करके तो दिखाओ। हाँ देखो क्या कर सकता है, जैसे मान लो इतना समय हमको शैडो चाहिए, वो भी अगर कुछ ज्यादा ही आगे का चीज पूछ रहा है। ठीक है, फिर भी देखो जैसे ग्रेड नोट लेगा, ठीक है ये ग्रेड है ना, इसमें एक मर्ज लगा दो, क्या करेगा पता है, जैसे देखो यहाँ का रोटो ले लिए, कितना तक शेडो आ रहा है वो देख लो, उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेड लगा मतलब रोटो लगा दिए। ठीक है, अब इस एरिया को सिर्फ हम क्या करेंगे पता है, सिर्फ इस एरिया को हम शेडो देंगे, ब्लैक शेडो, ग्रेड में जाके सिर्फ ब्लैक को लिफ्ट कर देंगे, ये सब और भी आगे बताएंगे, अभी इतना इतना करके देखो बहुत कंफ्यूजन होगा। देखो अभी क्या है कि ये जो रोटो हम जो किए ना इस एरिया में बस शेडो देगा, और ये क्या करेंगे हम इसको थोड़ा फीदर बढ़ा देंगे तो उस हिसाब से फेदर देगा शेडो कि लगेगा कि ये रियलिस्टिक है, ये ग्रेड जैसा शेडो चाहिए, ये ब्लैक चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा इस ग्रेड से। अच्छा लाइटिंग भी दे सकते, हाँ कुछ भी कर सकता है, लेकिन पहले इतना तो हमको करके दिखाओ कल, हो जाएगा ना कल, फिर टालेगा जैसे रोटो टाल रहा है 3 दिन से। एक बार शॉर्ट में तुरंत तुरंत बता दीजिए तो बस, केवल कहाँ कहाँ क्या करना है।
तुरंत शॉर्ट में समरी क्या क्या समरी मतलब इसका अभी जो बताए वो हाँ बता देते हैं उसमें क्या है। देखो प्लेट लिया, नॉर्मल प्लेट लेना है, सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेना सारा कुछ, कैमरा ट्रैकर का नोड लगाना है, कैमरा ट्रैकर में गए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, कैमरा ट्रैक करना है, कैमरा ट्रैक कर दिए, फिर जो जो भी करना था हमको एरर वगैरह सब सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्व करके ये जो कैमरा है ना लिंक करके पहले क्रिएट कर लिए, ठीक है। हाँ। लिंक करने के बाद स्कैन लाइन रेंडर लिए, उसमें सीन लगा दिए, सीन के ऊपर कार्ड देखने के लिए कि मेरा कार्ड सही जगह पेस्ट हो रहा है कि नहीं, तो उसके जगह पे एक कार्ड में कोई टेक्सचर नहीं था इसलिए वो ब्लैक दिख रहा था, तो उसके जगह में हम चेकर्स लगा दिए, चेकर बोर्ड इसके ऊपर कुछ और ये नहीं लगाएंगे तो ब्लैक सा दिखेगा तो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो उसको हम लगा दिए और इसको बस देखने के लिए मर्ज लगाए थे, इधर का काम उतना ही है अभी, बस इधर नॉर्मल आ गए, एक इमेज ले लिए, इसमें रिफॉर्मेट लगा दिए। रिफॉर्मेट इसलिए लगाए थे क्योंकि हमको क्या चाहिए था कि इसका रेजोल्यूशन में ये दिखे, नहीं तो अभी ये रिफॉर्मेट नहीं लगेगा ना, ये इतना बड़ा दिखाएगा या फिर इतना छोटा सा दिखाएगा, ठीक है। तो जो हाँ हाँ ठीक है, कौन इतना जोर से हाँ कर रहा है, ठीक है। 61 फ्रेम पे हम रोटो ड्रॉ कर दिए थे तो उस फ्रेम का प्रिमल वगैरह सब लगा दिए, कॉर्नर पिन भी वहीं जाके लगाना है, और कॉर्नर पिन हमेशा याद रखना प्रिमल से कनेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे लगा देगा और सेट करेगा तो क्या करेगा, फुटेज को घुमा देगा या फिर किसी मतलब थोड़ा इधर उधर कर देगा, बिगाड़ देता है। उसके बाद प्रोजेक्ट 3D लेना है, प्रोजेक्ट 3D में कैमरा को लगा देना है और उस बीच में एक फ्रेम होल, जो फ्रेम होल यहाँ पे लगा है उसको, और जो कार्ड हम लोग निकाल चुके थे बस उसको कॉपी पेस्ट करके लाना और यहाँ लगा देना है, और जो हम लोग स्कैन लाइन ये सेटअप तुम यहाँ से भी ले सकता है, देखो यहाँ उठा के यहाँ ले आओ लगा दो, सेम सेटअप यहाँ है ना देखो, हाँ उस सेटअप को यहाँ लगा दिए और लास्ट में एक मर्च और ये हो गया फुटेज में, सिंपल है। और रोटो हम बीच में लगाए हैं, और स्टेंसिल करना मत भूलना, अगर स्टेंसिल भूल जाएगा तो वो ब्लैक दिखाएगा, जिप्सा दिखाएगा। तो इतना करके हमको कल दिखाना है मेरा, हम न्यूक फाइल किसी को नहीं देंगे सिर्फ हम इमेज देंगे स्क्रीनशॉट इसका, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कौन छाप के दे दे रहा है या फिर क्या कर रहा है, ठीक है। ले लिया, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। दिमाग से उड़ गया होगा तो कोई बात नहीं, और एक बार बताएंगे, अगर ज्यादा लोग नहीं बोलेगा तो और एक बार बता देंगे, और एक जन बोलेगा तो नहीं बताएंगे।